Sister Elizabeth Nyamat is a distinguished educationist and visionary leader with a diverse educational background ranging from an honorary PhD in education from Taylor's University, Malaysia, to a bachelor's degree from Australian Catholic University. She served as the principal of both St. Joseph's College for Women and St. Joseph Convent School. She worked tirelessly in remote areas of interior Sindh, empowering women beyond her community. I would like to invite our chief guest, Sister Elizabeth, to come on stage and share her thoughts. Good morning and assalamu alaikum to everyone. Mohtarma Saadia Rashid Sahiba, aapke invitation ka bahut bahut shukriya. जब मैं यहाँ पर ऑडिटोरियम में आई, आई थिंक ये मेरा थर्ड टाइम है जब मैं आई हूँ, तो मैं आज जब ये नौनिहाल हमदर्द नौनिहाल देख रही थी तो मुझे याद आ रहा था अपना बचपन, कि बचपन में हम वो छोटा सा जो मैगज़ीन था उसको पढ़ा करते थे हमदर्द। आज की तकरीब का जो मौजू है नौनिहाल असेंबली का, नौनिहालाने वतन का अज़म से अज़म नशे से पाक पाकिस्तान। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकी, और मैंने आपकी जो असेंबली की स्पीकर हैं, कायदे हिज़्बे इख्तलाफ, और इस तरफ ये बेटा बैठा हुआ है कायदे ऐवान, बहुत अच्छा बोले, नशे के बारे में बहुत चीज़ें बताईं, और मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि जस्ट आई थिंक जून में, 9th of June को मैं इनवाइटेड थी जो लास्ट असेंबली हुई बजट से पहले सिंध असेंबली में, तो मुझे कुछ जो वुजरा जो बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि मैं उसी असेंबली में आज बैठी हुई हूँ। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, थैंक यू, वेरी गुड। एंड मैं आपके तमाम प्रिंसिपल साहबान को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तमाम टीचर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर आए, आप लोगों ने जो कुछ बोला है वो असल में आपके ही मुस्तकबिल की बात है। आई एम श्योर कि जो कुछ आप आज यहाँ पर खड़े होकर अपना इजहार ख्याल करके गए हैं, हकीकत में हम सब फिक्रमंद हैं। सादिया साहबा ने जब यहाँ पर आकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दो आर्टिकल्स जो इंग्लिश में भी पढ़े, उर्दू में भी, उनमें ज़िक्र ये आ रहा है कि अगर इतना ज़्यादा नशा जो फैल रहा है उसकी वजह क्या है और उससे कौन तबाह हो रहा है, मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल कौन है, मुस्तकबिल आप सब हैं। बच्चों में से किसी ने एक जगह पर यह भी जिक्र किया कि इसमें किरदार कौन प्ले कर रहे हैं, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह से निभा पा रहे हैं, और वो ज़िम्मेदारी कौन निभा सकते हैं। हुकूमत निभा सकती है, वालदैन निभा सकते हैं, टीचर्स निभा सकते हैं, और नशे की जानिब जाने की जो वजूहात हैं वो जो कायदे ऐवान थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बहुत सा पीयर प्रेशर, बहुत सी, मतलब समटाइम्स बीइंग अ टीचर, मैं भी अगर बात करूं, किसी बच्चों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी को प्रेफरेंस दे देते हैं। अब वो जो नज़रअंदाज किया हुआ बच्चा, पता नहीं उसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली स्टोरी क्या है। मैंने यहाँ तक सुना है कि अब तो ऐसा हो रहा है कि कई दफ़ा पेरेंट्स ही नशा करते हैं। अब जिनके अगर पेरेंट्स ही घरों में नशा करते हैं उनके बच्चे क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन पर चले गए। मुझे एक कोई एनजीओ है, वो बच्चों के क्या एडमिशन्स करवाते हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने चार बच्चों की मुझे तस्वीरें भेजी कि पेरेंट्स जो हैं वो रोड पर दोनों गिरे हुए हैं, फुल फ्लैज नशे में, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो भीख मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। यानी पेरेंट्स की तस्वीर
और उसके साथ छोटे बच्चे कोई 6 साल का, कुछ 8 साल का, तो लोग उनको कुछ दे रहे हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि सिस्टर, मैंने इन बच्चों को 2 हॉस्टल्स हैं वहाँ पर भेजा है, और पेरेंट्स जो है ना उनको मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा है ताकि वो ठीक हो सकें। तो सिचुएशन जो है, अभी भी जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँच रही थी तो मैंने देखा बहुत से लोग नशे में, कोई उधर गिरे हैं, कोई उधर गिरे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं यही प्रोग्राम अटेंड करने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों आपसे दरख्वास्त है, आपने जो कुछ आज सुना है ना, ये बहुत ज़्यादा आपने ही बोला है, आपको सिखाया गया है, लेकिन वो आपके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए है कि आप अगर किसी वक्त परेशान हैं स्कूल में, अगर कोई आपको फोर्स करता है, कोई बुली करता है, दिस इज़ नॉट द वे कि आप नशे की तरफ जाएं। अगर आपको कोई फोर्स करता है, आप अपने टीचर्स को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है और मुस्तकबिल आप हैं हमारा। अगर आज जितनी बातें आपने सुनी हैं, अगर आप उन बातों पर अमल कर लें कि नशे की वजूहात ठीक है, दुनिया में ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नशे की तरफ जाएं, कि हम नशे में पड़ें, बल्कि हमें अपने आप को, बहुत से बच्चे हैं, अब इन बच्चों की सिचुएशन देखें जो मुझे तस्वीर भेजी गई, छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनके पेरेंट्स दोनों ही गिरे पड़े रोड पर, अब उनका क्या कसूर है छोटे बच्चों का? लेकिन आई एम श्योर कि हर चीज़ जो होती है उसका हल जो है वो नशा नहीं है। अगर आप आज ये सोचते हैं कि अगर कोई, आई थिंक मैं जो मुझे पेपर दिया गया था उसमें ये भी जिक्र है कि स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स जो हैं वो ये किरदार अदा कर सकती हैं कि जहाँ से नशा फ्राहम किया जाता है, तो इस चीज़ पर आई थिंक स्कूल हेड्स जो हैं या जो किसी भी इंस्टीट्यूट्स के हेड्स हैं उनको ये मेक श्योर करना है कि इस तरह ना हो। फिर बात की, उधर बच्ची ने बात की थी बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ है वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। आई थिंक इसमें बहुत से एलिमेंट्स शामिल हैं। मुझे लगता है कि जैसे आई थिंक किसी बच्चे ने स्टैटिस्टिक पेश किया था 1982 में फर्स्ट टाइम शायद को जो एनालिसिस हुआ था उसमें 30,000 लोग बताए गए और आज मिलियंस। इसका क्या मतलब है कि 1982 में हुआ क्या है? अगर हम इस हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने ये चीज़ और ये बात शुरू की। ये वो थे जो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की नाकामी चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने से ही कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ में ऐसा किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक अगर मैं समझती हूँ कि आज ये 300 या 200 जितने बच्चे भी बैठे हैं या जितने भी हम सब यहाँ मौजूद हैं, जितनी अवेयरनेस हमें आज के इस मौजू से मिली है, अगर हम इसको, आई एम श्योर ये सोशल मीडिया पर भी अब डालेंगे तो अभी मेरे जहन में ऑलरेडी आर अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस कि बच्चे खुद ही बोलें, क्योंकि वही जानते हैं कि वो इस लत में कैसे पढ़ रहे हैं। हमें बहुत सी आगाही एज अ हेड्स मिली है या एज अ पेरेंट्स भी मिली है, एज अ टीचर्स मिली है कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो हो सकता है कि ऑन आ बिहाफ हम क्या कर सकते हैं, हम ये किरदार अदा कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट वो एलिमेंट्स या वो चीज़ें हम एज अ टीचर्स नहीं करें कि हमारे स्कूल के बच्चों ने अगर आज इस मौजू पर बात की है और उसमें वो वजूहात भी बताई हैं जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जाते हैं, तो कम अज़ कम हम आज से अपने इंस्टीट्यूट्स में एज टीचर्स एज हेड्स एटलीस्ट इस चीज़ को तो देखें कि हम वो सारी चीज़ें, कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्कूल में एक प्यारा और एक बेचारा बना कर रखा हुआ है। सो इट हैपन्स, वी आर ह्यूमन बींग, बट आई थिंक वी हैव टू कंट्रोल, क्योंकि बच्चों की फीलिंग्स। फिर एक मेरा ख्याल जो बच्ची जो स्पीकर हैं उन्होंने बात की कि देर आर सो मैनी एलिमेंट्स, मसलन यू नो सोशली फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं, सो मैनी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे इस नशे की हालत की तरफ चले जाते हैं। तो उन सब को कंट्रोल करना, आई थिंक कम अज़ कम स्कूलों में या इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कम अज़ कम उसमें कंट्रोल करना हमारे लिए आसान है और हम इस पर कोशिश कर सकते हैं।
और हमें कोशिश करने चाहिए, और जितनी भी अच्छी किसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी दे विल मेक श्योर कि ये चीज़ें नहीं हों। अब इनमें हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन चीज़ों की तरफ, बुराई की तरफ हमें लेकर जाते हैं। क्या बात है कि जो बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से अभी यहाँ बात कर रहे थे, जब उनके साथ कुछ बुरा सलूक होता है, कुछ गलत होता है, उनको कौन है जो रोकते और मना करते हैं कि आप ये चीज़ नहीं करें? कौन सी चीज़ें हैं, कौन लोग हैं? हम में से ही कुछ लोग हैं, हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को बुली कर सकते हैं, बच्चों को डरा धमका सकते हैं। लेकिन आई थिंक अगर बच्चों का रिलेशन अपने जो सबसे बेस्ट शख्स आपकी फैमिली में है, आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है किसी के पेरेंट्स ही नशे के आदी हैं, तो फिर वो बच्चा किसको बताए? फिर हो सकता है वो अपने किसी टीचर को बताए या किसी और शख्स को, किसी को बताए, ताकि उसके इस मसले को हल किया जाए। और मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है सुनकर कि इतना ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। और मुझे याद है कि ब्रदर नॉर्मन जो हैं, मैडम जो सादिया हैं, शायद उन्होंने उनका नाम सुना हो, वो अमेरिकन ब्रदर थे, क्रिश्चियन ब्रदर, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है ड्रग रिहैबिलिटेशन के नाम से, इंटीरियर सिंध में भी है और यहाँ भी है। तो मुझे याद है कि कुछ साल पहले सांगड़ में मेरा ख़्याल वो था, मैं वहाँ पर मैंने विज़िट किया, तो वहाँ पर मुझे कुछ जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मिले, जिन्होंने बताया उन दिनों में वो फोटोकॉपी पर वो जो कि उन्हें फोटोकॉपी को मतलब सूंघते थे, उन्होंने कहा कि हम जिन मरीज़ों का इलाज करते थे उनका इलाज करते करते खुद हम ड्रग्स का शिकार हो गए। सो आई वॉज रियली सरप्राइज, मुझे अभी यहाँ बैठे हुए जब मैं ये सब सुन रही थी तो मुझे वो डॉक्टर साहब याद है, उन्होंने कहा कि मरीज़ों का इलाज करते हुए हम ड्रग्स का शिकार हो गए, लेकिन जब हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो अभी हम इसी सेंटर में, क्योंकि हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमारी क्योर हुई है, तो अब हम यहाँ वॉलंटियर वर्क करने आए हुए हैं। तो आप ये देखें कि कहाँ कहाँ एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, वो खुद इस चीज़ का शिकार हो गए। लेकिन ठीक है, हो सकता है कभी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियों की वजह से अगर हम इस बुराई की तरफ चले भी जाते हैं तो देर इज़ ऑलवेज़ अ वे टू कम बैक, ऑलवेज़ रास्ता है वापस आने का। तो इसलिए आप जो कौम का मुस्तकबिल हैं, आप जो आने वाली नस्लें हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर बड़े होकर हमसे कहीं कमी रह गई या गलती हो गई तो आप हमें माफ़ कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें। और आपको भी ये ताकीद करते हैं कि आप भी जहां अगर आपको कोई फ़ोर्स करता है किसी तरह से भी कोई नशावर चीज़ देने की, तो आप में इतनी जुरत और हिम्मत हो कि आप किसी अपने टीचर को, अगर स्कूल में कोई ऐसा मसला होता है या इंस्टीट्यूट्स में होता है या जहां कहीं भी आप रहते हैं, आप ज़रूर अपने किसी करीबी रिलेटिव को, पेरेंट्स को, मदर को, फादर को आप ज़रूर आगाह करें, और इस चीज़ पर जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करें। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक बच्ची ने यह भी ज़िक्र किया कि कहाँ हैं लाइब्रेरीज, मतलब बच्चों के खेलने के चीज़ें या मतलब क्या हम फ्राहम कर रहे हैं? अगर हमने सब कुछ बंद कर दिया है तो मैं सादिया साहब, मैं अक्सर सोचती हूँ कि स्मार्टफोन जो है उसके बहुत अच्छे मतलब वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन वो कहते हैं ना द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि ये बच्चे हैं और ये उसका बैड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका सबसे पहले अभी आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एनालिसिस करें तो बच्चों को आई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एवरी सेकेंड चाइल्ड इन द स्कूल इज़ वेयरिंग द ग्लासेस। तो सबसे पहले तो आपकी नज़र मुतासिर हो रही है, ये जो आप पेरेंट्स से छुप छुप कर बेड के अंदर वो जो मोबाइल रात को चला रहे होते हैं ताकि कोई आपके पेरेंट्स ना देख ले या दादी दादा ना देख ले, इससे हकीकत में बहुत कुछ ख़राब हुआ है, फैमिली लाइफ ख़राब हुई है। और
इससे ये जो बच्चे कहते हैं कि जी हाँ कोई नशा इस्तेमाल करे, पता नहीं बहुत सी ऐसी नशे के नाम हैं, मुझे तो शायद याद भी नहीं होंगे, लेकिन वो सब जो हैं वो बच्चों को मुतासिर कर रहे हैं। तो बच्चों से ये गुजारिश है कि वो इस बात को ख़ास ख्याल रखें कि वो अपने आप पर भी तवज्जो दें, वो अच्छी सोसाइटी में बैठें, अच्छे दोस्तों में बैठें और किसी की गलत चीज़ को अपनाने की कोशिश ना करें, इसको आप फैशन नहीं बनाएं। मोस्टली ये चीज़ हो रही है कि ट्राई करके देखो, ये करके देखो, तो उस ट्राई करने में ही वो बच्चे जो हैं वो अपना ख़राब करके बैठ जाते हैं मुस्तकबिल। तो आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को सेव करें, अपने आप को बचाएं, और अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप ज़रूर इतनी हिम्मत और जुरत रखें कि आप उनको सच बोलकर उसको सरफेस पर ला सकें, झूठ नहीं बोलें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और जहां कहीं भी आप अपने मतलब रहते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने आप को कोशिश खुद भी करें, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कायदे आज़म का पाकिस्तान, हकीम सईद का पाकिस्तान और लियाकत अली ख़ान की मेहनत और अलामा इकबाल का जो ख्वाब था तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर कैसे होगा? पहाड़ कहाँ पर और फुटपाथ कहाँ पर? तो क्या हम फुटपाथ के लिए बने थे? क्या हम फुटपाथ पर नशे में रहने के लिए तो नहीं पैदा हुए थे? हम अलामा इकबाल का वो ख्वाब कैसे पूरा करेंगे जो उन्होंने बहुत ज़्यादा नौजवानों के लिए शायरी की और नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए इतना कुछ किया, वो कहाँ सब जाएगा? तो हम भी कोशिश करेंगे एज़ टीचर्स, एज़ एजुकेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द जहाँ भी हम हैं, और आपने भी कोशिश करनी है। और अभी भी अगर कहीं पर कोई बच्चा ऐसा सोचता है वो डेफिनेटली अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को बताए, अगर वो किसी मुश्किल में है तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ आपकी हेल्प नहीं हो सकेगी। आप मेरी बात सुन रहे हैं सब जितने भी बच्चे हैं? क्योंकि यू आर द फ्यूचर, अगर आप नहीं ठीक होंगे तो फिर हम कितनी कोशिश करेंगे। ये स्मार्टफोन का हम भी बता रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इसका नुकसान भी है, और उसका नुकसान आप ज़्यादा ले रहे हैं और उसका उससे जो फ़ायदा हो सकता है वो नहीं हो पा रहा। तो आप इस चीज़ को समझें, रियलाइज़ करें, ताकि आपसे स्मार्टफोन जो है वो वापस ना ले लिए जाए, क्योंकि आई एम श्योर कि आप सब के घरों में भी ये सिचुएशन है, स्कूल्स में भी, मतलब वी आर हैविंग डिफ़िकल्टीज इवन इन आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो चीज़ें नुकसान की तरफ जा रही हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सादिया साहिबा आपका, एंड सादिया साहिबा जो हैं वो हमारे स्कूल की अलुमना हैं और सेंट जोसेफ कॉलेज की भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आज का जो सेशन था आपके असेंबली का, बहुत मैं मुतासिर हुई हूँ, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क से ये नशा ख़त्म हो, और ये तब ही ख़त्म होगा जब ये हमारे नौनिहाल जो हैं इस बात को रियलाइज़ कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।